इन दिनों युवा वर्ग में रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन की बीमारी आम होती जा रही है। इसके मरीज दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि कोरोना वायरस के बाद से हमारी ज़िंदगी का ढंग ही बदल सा गया है। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, यही नहीं पेरेंट्स अपने बच्चों को घर से बाहर जाकर दूसरे बच्चों के साथ खेलने भी नहीं दे रहे हैं। बच्चों का जीवन तो जैसे घर की चार दीवारी में ही कैद हो गया है। ऐसे में वो मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर पर ज़्यादा समय बिता रहे हैं। बच्चों में गैजेट्स के बढ़ते चलन ने उन्हें कई बीमारियों का शिकार बनाकर उनके जीवन के लिए खतरा पैदा कर दिया है। बहरहाल, स्पाइन की समस्या से जूझ रहे लोगों को अगर बैठने का सही तरीका आ जाए ना, तो ये बीमारी काफ़ी हद तक रोकी जा सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि उठने बैठने और गाड़ी ड्राइव करने के दौरान रीढ़ की हड्डी का पोजीशन सही होना ज़रूरी है। इसके बाद भी अगर रीढ़ की हड्डी में किसी तरह की समस्या है तो फौरन विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टरों का कहना है कि स्पाइन के दर्द को ज़्यादा समय तक बर्दाश्त करना परेशानी का सबक बन सकता है, लिहाजा दर्द को नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करें। चलिए हम आपको रोज़मर्रा से जुड़ी चीज़ों का सही इस्तेमाल बताते हैं जो स्पाइन की समस्या को रोकने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। अगर आप कंप्यूटर पर ज़्यादा समय तक काम करते हैं तो कंप्यूटर के मॉनिटर को हमेशा सीधा रखें। गलत दिशा में मॉनिटर होने के चलते शरीर की दिशा भी बदल जाती है, जो बाद में दिक्कतें पैदा करती है। वहीं कुर्सी के बैक पर अपनी पीठ सटा कर रखना चाहिए। थोड़े थोड़े अंतराल पर उठते भी रहना चाहिए। उठते बैठते समय पैरों के बल उठना चाहिए। वहीं अगर आपको स्पाइन का दर्द ज़्यादा परेशान करता है तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह से दर्द निवारक दवाओं का प्रयोग किया जा सकता है। फिजियोथेरेपी से गर्दन का ट्रैक्शन और गर्दन की एक्सरसाइज से भी आराम मिल सकता है।